दोस्तों एज अ बिगनर हमारे फोटोग्राफी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि हम अच्छे फोटोग्राफर बन सकें। और जब बात आती है फोटोग्राफी बेसिक्स की तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि फोटोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है और कौन सी ऐसी 3 कैमरा सेटिंग्स हैं जो डेप्थ ऑफ फील्ड को अफेक्ट करती है। तो जानेंगे आज डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में और उन 3 कैमरा सेटिंग्स के बारे में, तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों एज अ बिगनर हमें इस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि डेप्थ ऑफ फील्ड आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे बिगनर का ये सवाल होता है। अब देखिए डेप्थ ऑफ फील्ड को थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मेरा फोकस पॉइंट है, यानी कि मेरा सब्जेक्ट है जिस पर मुझे फोकस करना है, तो जो मेरा इसके आगे का एरिया है वो कितना फोकस में होगा और इसके पीछे का कितना एरिया है वो कितना फोकस में होगा, उसे हम बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी पिक्चर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं मैंने पिक्चर लिया, तो आप पिक्चर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा फोकस पॉइंट है इसके पहले का एरिया कितना फोकस में था और जो पीछे का हिस्सा है वो कितना फोकस में है। अब ये बेसिकली सिंपल चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अब ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, यानी कि पीछे का एरिया कितना फोकस में रहेगा या कितना इन फोकस आएगा या आगे का एरिया कितना इन फोकस रहेगा या आउट फोकस रहेगा, ये डिपेंड करता है हमारी 3 कैमरा सेटिंग्स पे। 3 कैमरा सेटिंग्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है डेप्थ ऑफ फील्ड को अफेक्ट करती है, सबको मालूम है, वो है हमारा अपर्चर। अब अपर्चर जो है वो डायरेक्टली डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है कि कितना आपको बैकग्राउंड दिखाना है, कितना फोरग्राउंड दिखाना है, कितना ब्लर रखना है, कितना इन फोकस रखना है, ये सारा चीज़ जो है हमारे अपर्चर से कंट्रोल होती है। लेकिन उसके अलावा जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उसके बारे में ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं उन्हें नहीं पता होता। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों हमारा फोकल लेंथ, यानी कि हमारी फोकल लेंथ कितनी है जब हम अपने सब्जेक्ट को या हम अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कितनी फोकल लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है हमारा फोकसिंग डिस्टेंस, यानी कि सब्जेक्ट से हमारा डिस्टेंस कितना है। तो अगर ये 3 चीज़ के बारे में हमें अच्छे से पता होगा तो जब हम फोटोग्राफी करेंगे तो बहुत आसानी से हम अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो एरिया ऑफ फोकस है उसे हम या साइज़ ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड है उसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल दोबारा एक बार यहाँ फोकस करूँगा और मैं आपको वो तीनों चीज़ें अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि उसे समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे अपर्चर की। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूज़ कर रहा हूं इस वक्त f2.8 अपर्चर, यानी कि पूरा वाइड अपर्चर मैंने ओपन कर रखा है। ओपन करने से मतलब है कि जो पीछे की डेप्थ है वो मुझे अच्छी खासी ब्लर मिलेगी बिकॉज मेरा अपर्चर पूरा कम्प्लीटली खुला हुआ है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के सब्जेक्ट को शूट करने के लिए। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ 105mm का मैक्रो लेंस और यहाँ पर 105mm एक अच्छी खासी फोकल लेंथ होती है एक अच्छी खासी डेप्थ ऑफ फील्ड को क्रिएट करने के लिए। तो 105mm का मैं जो है लेंस यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मेरी फोकल लेंथ है 105। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी कि फोकसिंग डिस्टेंस। तो मैं बिल्कुल यहाँ पास पे जाके थोड़ा पिक्चर लूँगा और देखेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह से जो है अफेक्ट करती है और किस तरह की पिक्चर हमें जो है फाइनली निकल के आती है। तो मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, कैमरा सेटिंग आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। ये देखिए मैंने एक पिक्चर लिया है यहाँ पर, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि बेहतरीन ढंग से जो हमारा बैकग्राउंड कितना ब्लर हुआ है। यानी कि कहने का मतलब अगर आप पिक्चर को गौर से देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छे से फोकस में आया है। जो एरिया ऑफ फोकस है फ्रंट का वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो बैकग्राउंड का एरिया ऑफ फोकस है वो अच्छे से ब्लर हुआ है। क्यों ब्लर हुआ है? क्योंकि हमने 105mm यानी कि अच्छी खासी फोकल लेंथ यूज़ करी, सब्जेक्ट के मैं काफ़ी क्लोज गया, यानी कि मेरा जो फोकसिंग डिस्टेंस था वो काफ़ी पास था। और उसके अलावा दोस्तों मैंने जो अपर्चर यूज़ किया वो अपर्चर को पूरा वाइड ओपन किया। अब अगर मुझे इसी डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना है दूसरी तरीके से तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं चेंज करूँगा यहाँ पर अपनी अपर्चर को। तो अब मैं f2.8 से मैंने अपना अपर्चर कर दिया है 6.3। अब 6.3 का अपर्चर का मतलब है कि होल थोड़ा सा छोटा हो गया है और अब जो है होल मतलब लेंस का होल अपर्चर होल थोड़ा छोटा हो गया 6.3 पे। और अब जो पीछे की जो डेप्थ है वो जो है इतनी शैलो ना आके जो है वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है थोड़ा इन फोकस आ सकता है। दूसरी चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट के एकदम क्लोज था जब मैं 2.8 पे ले रहा था, तो मैं अब जो है पीछे आ जाता हूँ एक स्टेप, देखिए इस तरह से, यानी कि मेरा फोकस इन डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी कि पीछे आ गया हूँ। चलिए अब पिक्चर लेते हैं और फोकल लेंथ मैंने सेम ही रखी है क्योंकि मैं फिलहाल एक ही लेंस यूज़ कर रहा हूँ 105mm का मैक्रो लेंस। अब मैंने फोकस किया अपने सेम सब्जेक्ट पर, देखते हैं पिक्चर हमें कैसी मिलती है।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि पिक्चर हमें अच्छी मिली है, यहाँ पर हल्का हल्का बोके भी आया है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे पिक्चर को तो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बिल्कुल अलग ढंग से जो है साइज ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड है वो चेंज हो गया है, यानी कि पीछे की काफ़ी सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी इन फोकस में आ रही है, थोड़ा सा आउट जा रहा है, यानी कि थोड़ा ब्लर है, थोड़ा सा इन फोकस है, कम्प्लीटली जो है पूरा बिल्कुल ब्लर बैकग्राउंड नहीं है। तो जब आप इस तरह की फोटोग्राफी रियल सिनेरियो में करते हैं, यानी कि आप कई बार ब्राइडल पोर्ट्रेट ले रहे हैं या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं आउटडोर में, या मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, या किसी भी तरह की प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह से जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि साइज़ ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड को आप कम ज़्यादा अपने अपर्चर से, अपने फोकसिंग डिस्टेंस से और अपनी फोकल लेंथ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ताकि इसको और अच्छे से आप समझ पाएं। अब पहला एग्जांपल लेते हैं एक हेडशॉट का। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपनी कैमरा सेटिंग्स जो है, यानी कि तीन कैमरा सेटिंग्स, फोकल लेंथ सेम है 105 mm का लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अपर्चर मैंने रखा है 5.6, और मेरा जो डिस्टेंस है ये काफ़ी हद तक क्लोज ही मैं बोलूँगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक पिक्चर लेते हैं इनका हेडशॉट, देखते हैं कि फ़ोटो हमें कैसी मिलती है। हाँ, वेरी नाइस। और ये देखिए मैंने पिक्चर लिया है इधर, तो आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है वो ठीक ठाक सा ब्लर हुआ है, बहुत ज़्यादा आउट नहीं गया है, बट वी कैन से स्टिल अ वेरी गुड ब्लर बैकग्राउंड, और जो डेप्थ है पीछे का एरिया ऑफ फोकस है वो अच्छा खासा आउट गया है, बट बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फोकस नहीं बोल सकते। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और आउट करेंगे, यहाँ पर अब मैं अपनी कैमरा सेटिंग थोड़ी चेंज करूँगा, मैं जा रहा हूँ अब सीधा f/2.8 के ऊपर, सेम डिस्टेंस रखा है, देखते हैं पिक्चर हमें कैसी मिलती है यहाँ पर। और यहाँ मैंने पिक्चर ली इनकी, देखिए इस तरह से, तो अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कितना अच्छे से ब्लर हुआ है, यानी कि जो एरिया ऑफ फोकस है पीछे का बैकग्राउंड का वो कम्प्लीटली ब्लर हुआ है दोस्तों। तो इस तरह के पिक्चर्स दोस्तों पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ पर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है आपको, यानी कि बैकग्राउंड कम्प्लीटली ब्लर है और आपका सब्जेक्ट कम्प्लीटली इन फोकस आया है। तो इस बात को समझ लीजिए कि डेप्थ ऑफ फील्ड को अगर आपको कंट्रोल करना है तो इन तीन कैमरा सेटिंग्स के साथ आपको जो है एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, जिससे आप को ये डिसाइड करने में आसानी हो कि आपको कितना जो एरिया फोकस है उसे कम्प्लीटली फोकस में रखना है या कम फोकस में रखना है या बिल्कुल आउट रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से डेप्थ ऑफ फील्ड को समझने में आसानी हुई होगी और आपको समझ आया होगा कि कैसे हम तीन कैमरा सेटिंग्स के द्वारा अपने साइज ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल जो आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं वहाँ भी हम डेप्थ ऑफ फील्ड वाला ही जो है शॉट अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैं खड़ा हूँ तो यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ और जो मेरा DOP है वो मुझे इन फोकस में रखा हुआ है, और एरिया ऑफ फोकस है जो फ्रंट का ये कम्प्लीटली फोकस में, यानी कि तार आप अच्छे से देख पा रहे हैं, और जो मेरा बैकग्राउंड वाला तार है वो आपको कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक डेप्थ ऑफ फील्ड का ही नमूना है। तो अब आप प्रैक्टिस करिए, अलग अलग जो है अपर्चर के साथ प्ले करिए, अलग अलग फोकस डिस्टेंसिंग के साथ प्ले करिए, अलग अलग जो है आप फोकल लेंथ के साथ प्ले करिए, इससे आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को समझने में आसानी होगी। और जब आप रियल सिनेरियो में शूट करेंगे अपना कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट, चाहे वो मॉडलिंग पोर्टफोलियो हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, ब्राइडल शॉट्स हो, तो वहाँ पर आप बेहतरीन शॉट्स निकाल पाएंगे, क्योंकि अब आपको जो है डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज़ करना आ गया है, किस तरह से फोटोग्राफी में उसे यूज़ करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।